कालजयी दिवंगत महान नेता बीजू पटनायक के द्वारा अर्ध शताब्दी पूर्व प्रतिष्ठित ओटीएम को आम समझकर माननीय मुख्यमंत्री श्री जुगत नवीन पटनायक द्वारा पुनः उदार जाजोनारे वेल्सपन ग्रुप को सहयोग है दई थबारू आमे गौरवनीता सही संबंधित अजीर यही पवित्र भूमि भोजन उत्सव रे वेल्सपन ग्रुप तरफरू मू बालकृष्ण गोयन का आपन मानकुम अभिनंदन करू छुई। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नवीन पटनायक जी और सभी अन्य उपस्थित महानुभाव मंच पर। आज दोस्तों उड़ीसा ने पूरे भारत को दिखाया है कि कैसे एक स्टेट सिर्फ 20 साल में पूरी तरह से पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये एक लीडर के सपने और कड़ी मेहनत से बन सकता है। पटनायक जी, आज भारत की प्रगति में उड़ीसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और आपने जो जो प्रोग्राम आपके विजन के तहत चल रहे हैं, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद इन टाइम लिमिट जो काम हो रहा है, वो मैंने पर्सनली देखा है। जब पिछले दिनों में मैं पांडियन जी साहब से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे प्राइवेट कैसे गवर्नमेंट स्कूल को पूरे गवर्नमेंट स्कूल को कैसे बदली किया, और मैंने जो उन्होंने वीडियो दिखाया वो आज एक एग्जांपल है सब स्टेट के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जो कि बेटर देन पब्लिक स्कूल है। आज जो हेल्थ के बारे में कार्यक्रम हो रहा है, जो हॉस्पिटल के बारे में काम हो रहा है, जो मंदिरों का कार्यक्रम हो रहा है, वो किसी भी स्टेट में इस लेवल पे काम नहीं हो रहा है। ये सारा सब आपका विजन है। आज दोस्तों उड़ीसा केवल स्टील के लिए ही नहीं बल्कि कई सेक्टरों में अग्रसर प्रयास कर रहा है। वह फूड प्रोसेसिंग है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है। आज जो हम टेक्सटाइल पार्क की यहाँ बात कर रहे हैं और ऑटो कंपोनेंट की भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा है, जिसे इसके कारण राज्य में अनेक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आगे चलकर इसे और बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों जो मैंने 10 साल में चेंज देखा है, ये उड़ीसा में जो चेंज है, पूरे भारत में करीब करीब हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन जो 10 साल में जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड की बात करूँ, चाहे मैं पानी की बात करूँ या पावर की बात करूँ, आज सबसे बड़ा एक रीजन है, सबसे बड़ा एक कारण है कि उड़ीसा इतना बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। पूरे भारत जगत से, पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में आ रहा है, किसी और स्टेट में नहीं आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिस्टोरिक है, क्योंकि इसी स्थान पर, इसी वक्त पर हमारे जो ओटीएम, रिनाउंड ओटीएम टेक्सटाइल मिल थी, भी हम सबको मालूम है कि ये बीजू बाबू की एक लगाई हुई मिल थी सालों पहले। जब हम बीजू बाबू को याद करते हैं तो हमें ये क्लियर लगता है कि आज बीजू बाबू जैसे लोग एक गहरी छाप छोड़ गए हैं, और उनके जाने के बाद भी लोग आज उन्हें याद करते हैं। जब भी हम उड़ीसा टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं, उसमें लोग बीजू पटनायक जी को याद करते हैं। नवीन जी, आप यू बीइंग द सन ऑफ सच ए लेजेंडरी लीडर, मुझे ये समझ आ रहा है कि कैसे आपने इस स्टेट को लीड किया, कैसे इस स्टेट को जो विजन दिया उससे जो आपका इमोशंस अटैच्ड है, और पर्टिकुलरली इस जगह से जो आपका इमोशन अटैच्ड है, वो सब आज इतने लोगों को देखकर हमें फील हो रहा है कि आपका इमोशन और बीजू बाबू का इमोशन आज हमें वो फील हो रहा है, और ये ओटीएम चौधवार वापस एक रूप में, नए रूप में निखर के आएगा। दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है। जब मैं वेल्सपन की बात करता हूं, आज जिस हिसाब से उड़ीसा विकास में एक मजबूत कदम बढ़ा रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि वेल्सपन ग्रुप भी
इस विकास का एक भागीदार बन रहा है। और आज वेल्सपन ग्रुप जो करीब करीब 40,000 करोड़ का टर्नओवर करता है और करीब 30,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देता है, हम वर्ल्ड में टेक्सटाइल में, होम टेक्सटाइल में सबसे बड़ी कंपनी है। और मैं जब बोलता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक कंपनी है, जब आज अमेरिका में कोई टावल बिकता है, हर चौथा टावल वो वेल्सपन और भारत में बनता है और भारत से एक्सपोर्ट होता है। जब हम बात करते हैं विमिल्टन की, वो भी वेल्सपन के द्वारा और भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। दोस्तों, इस जगह पे हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है। आज इस शिलान्यास के बाद वेल्सपन बर्ड हम एज ए ग्रुप चौद्वार में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन पार्क लगाएंगे, हम टेक्सटाइल रिलेटेड एंसिलरीज पार्क को बढ़ावा देंगे, हम लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को भी एक बड़े रूप में लेके आएंगे इस एरिया में, और साथ ही साथ एक पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे जिसे प्लग एंड प्ले कहते हैं, जिसे लोग आके जुड़ सके हमारे साथ में और एक बड़ा टेक्सटाइल हब बन सके आने वाले समय में। इसके साथ साथ एक मैं खास बात ये कहना चाहूँगा कि वेल्सपन वेल कृषि के तहत आज करीब 42,000 किसानों से जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। वेल्सपन के आने के बाद हमारा एक पूरा लक्ष्य है कि कैसे उड़ीसा के किसानों को भी हम साथ में जोड़ें और कैसे उनकी पैदावार को बढ़ाएं, उनकी क्वालिटी को सुधारें। और आज जो कॉटन में आज हिंदुस्तान सबसे आगे है और उड़ीसा उसमें सबसे छोटा है, आज हमारा ये एक व्यू रहेगा, हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि कैसे हम उसको भी आगे लेके जाएं, जो कि आज अच्छी कॉटन उड़ीसा बना रहा है। फ्रेंड, दोस्तों, मुझे ये बताने में भी खुशी हो रही है कि हमारा जब ये पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, करीब करीब हम डायरेक्टली 10,000 लोगों को रोजगार देंगे और इनडायरेक्टली करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा आने वाले समय में। यह एक टेक्सटाइल में ही पॉसिबल है। आज स्टील प्लांट कोई लगाता है तो 5,000-3,000 लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट होता है 1,00,000 करोड़, 50,000 करोड़ का। आज टेक्सटाइल में 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 30,000 लोगों को एक रोजगार की क्षमता का प्लांट यहाँ चौद्वार में लगने जा रहा है। ये आप सब लोगों का एक हमारे पे आशीर्वाद है और मुझे बहुत खुशी है कि इस आशीर्वाद के साथ वेल्सपन ग्रुप अपनी पूरे तह दिल से कोशिश करेगा कि चौद्वार को वापस पूरे वर्ल्ड मैप पे, टेक्सटाइल वर्ल्ड मैप पे लाया जा सके। तो दोस्तों, ये आपका ड्रीम, उड़ीसा के लोगों का ड्रीम, हमारा ड्रीम है। और सर, विद योर विजन टुगेदर विल ब्रिंग बैक द प्राइड ऑफ आइकॉनिक उड़ीसा टेक्सटाइल मिल, दैट इज OTM, एंड ब्रिंग चौद्वार ऑन वर्ल्ड टेक्सटाइल मैप। इन शब्दों के साथ मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।